नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं सिरमौर न्यूज। नाहन में खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा आज मीट विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी की गई। दरअसल लगातार यहां शिकायतें मिल रही थी कि मीट विक्रेताओं द्वारा नियमों को दरकिनार कर यहां मीट की बिक्री की जा रही है। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शहर के गोविंदगढ़ मोहल्ले में मीट विक्रेताओं की दुकानों पर छापेमारी कर यहां आधा दर्जन से अधिक दुकानदारों के चालान काटे। मीडिया से बात करते हुए खाद्य निरीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि कई मीट विक्रेताओं द्वारा यहां नियमों को दरकिनार कर मीट बेचा जा रहा था, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए 7 दुकानदारों के चालान काटे गए हैं। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मीट से कई तरीके की बीमारियां फैलने की आशंका रहती है, ऐसे में खाद्य सुरक्षा विभाग इसे लेकर गंभीर है। आज की जो कार्रवाई की गई है वो जो अनहाइजीनिक कंडीशंस है यहाँ पे मीट शॉप्स की गोविंदगढ़ मोहल्ला में, उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने चलानी की है। जो फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स एक्ट के जो अधिनियम में जो प्रोविजंस है उसके अंडर जो अनहाइजीनिक तरीके से मीट के जो रिटेलर हैं उनको कुछ बातें पहले भी बताई गई थी, पर नियमानुसार उन्होंने अपना यहाँ पर कुछ भी मेनटेन नहीं किया और बहुत ही ज़्यादा मतलब अनहाइजीनिक कंडीशंस पाई गई हैं, जिसकी वजह से हमने यहाँ आज चलानिंग प्रक्रिया अमल में लाई है और आगे भी ऐसी प्रक्रिया अमल में लाई जाएगी जब जब फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एक्ट 2006 की वायलेशन होगी। ऐसी 7 मीट शॉप्स हैं जहाँ पे हमने चलानिंग की है आज और जिसको ADM साहब की कोर्ट में समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा कुछ ही समय के अंतराल पर, ताकि ऐसी जो अनियमितताएं पाई जाती हैं, अनहाइजीनिक कंडीशंस जो मीट की है, क्योंकि ये बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है। जैसे मीट के द्वारा जो है कई बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होती हैं और इसकी प्रॉपर स्टोरेज ना हो, हाइजीन मेंटेन ना हो, तो उससे जो है पब्लिक हेल्थ को थ्रेट बना रहता है।